ड्रीम फाउंडेशन की मासिक बैठक पारिवारिक सभा के रूप में मनाई गई। सभी सदस्यों ने परिजनों के साथ प्रतिभाग किया। रिचा सेटी, रूबी बग्गा, टीना जैन, रितिका रस्तोगी के नेतृत्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की धूम रही। मुख्य अतिथि एडीएम सिटी राजेंद्र सिंह सेंगर, एसपी सिटी अमित कुमार आनंद, पंकज सक्सेना आदि रहे। वक्ताओं ने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करने पर क्लब के सदस्यों की सराहना की। लकी कपल, सौम्य कपल, सर्वाधिक मैचिंग कपल आदि वर्ग में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान अध्यक्ष शिवेंद्र जैन, रणजीत सिंह बग्गा, किशन कक्कड़, अमित रस्तोगी, अतुल तिवारी, राजेश वर्मा आदि मौजूद रहे। मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन शिवेंद्र और अन्य साथियों के बीच में मेरी मुलाकात हुई तथा जहाँ पहले से लोग मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन समय समय पे बहुत अच्छे मतलब जनता के लिए कार्य करता है और पुलिस में बहुत सहयोग करता है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब इस इवेंट के लिए मेरे पास इन्विटेशन आया तो मैंने एक सेकेंड में सोचा मैं बोला कि चलते इतने अच्छे लोग हैं जिनसे जरूर मानता है कि पुलिस कभी अकेले काम नहीं करती, जनता और पुलिस के सहयोग से हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट है पुलिस से उतना ही इम्पोर्टेंट है समाज के आदर से सम्मानित लोग हैं जो पुलिस को कार्यों में सहयोग करते हैं और ओवरऑल सोसाइटी को बेटर बनाने में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर ये हमारी मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन एक एनजीओ है, सामाजिक संस्था है। हम जो भी हॉट विषय होता है समाज का उसको वर्क करते हैं। आज हमारी इस साल की आखिरी सभा है तो हम इसे मनोरंजन सभा के रूप में मना रहे हैं, फैमिली मीटिंग में मना रहे हैं। आज हम सब परिवार इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। आज हमारे बीच में बड़ा सम्मान का विषय है कि एडीएम सिटी श्री राजेंद्र सिंह सेंगर जी और एसपी सिटी श्री अमित कुमार आनंद साहब दोनों लोग आज आए हैं हमारे बीच में और इस खुशियों को और बढ़ाया है इन्होंने बीच में आके। सर जैसे आपको पता है आपके चैनल से हम लोग कई बार लोगों से अपील कर चुके हैं कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा है, ट्रैफिक को फॉलो करें, कोहरा आ गया है, कोहरे का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, कोशिश करें कि हल्की गाड़ी चलाएं, कोहरे में जाना अवॉइड करें। अभी कुछ दिन में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम कोहरे में रिफ्लेक्टर्स लगवाएंगे एसपी ट्रैफिक साथ मिलकर। तो इस टाइम कोई भी कोई ना हॉट विषय में हम कार्य करते रहते हैं और हमारी संस्था को मैं फिर से एक बार सभी लोगों को संस्था के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नववर्ष सबके लिए बहुत शुभ हो, बहुत मंगलकारी हो, आप सबके परिवार सुरक्षित रहें और बहुत तरक्की।